नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बार बार सुर्खियों में आते हैं अलग अलग कारणों से। सुर्खियों में बने रहना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की फितरत भी है। इस वक्त राजस्थान में भजन लाल सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यानी पब्लिकली वो ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जैसे कैबिनेट मंत्री का मुख्यमंत्री को सरेआम चिट्ठी लिखना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चिट्ठी लिखना, इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर उन्हें लगता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए यही सबसे बड़ी जरूरत है? अगले एक घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री को कोई बात बताने के लिए ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों जाना पड़ रहा है। हमारे साथ राजकुमार मीणा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। शैलेश कौशिक जी हैं बीजेपी से। राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश कौशिक जी, क्या माजरा है ये? मीना जी, अगर कोई किसी तरीके की बात को, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, अगर उस बात को, अगर सही बात को रखता है तो उसमें किसी तरीके का कोई माजरा या किसी तरीके का कोई प्रश्न नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा वो व्यक्ति है जिन्होंने लगातार कांग्रेस के राज में भी ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए थे और उन मुद्दों पर आज देखिए जब हमारी सरकार आई है तो लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे रीट का मामला हो, जल जीवन मिशन में जिस तरीके से जमीनों की नीलामी का मामला हो, और अब ये मामला अगर उनकी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की निगाह में आया है और उसमें अगर इस तरीके किसी तरीके के घोटाले की संभावना है तो इसके अगर सीएम को पत्र लिख रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति की बात है? सीएम साहब को पत्र लिखकर जिस तरीके से वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर किसी तरीके घोटाले पर कोई कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति तो यही है कि आप भ्रष्टाचार कहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हर व्यक्ति का, चाहे वो आम नागरिक हो, संगठन का व्यक्ति हो, पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, उस बात को, उस विषय को रखने के लिए पत्र लिखे। आजकल सोशल मीडिया का सिस्टम है, हर आदमी अपनी बात किसी भी तरीके से करता है, आवश्यकता इस बात की होती है कि उस पर कार्रवाई कितनी हो रही है। और ये आप देख रहे हैं कि लगातार जब से सरकार बनी है किसी भी ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसके विषय आता है तत्काल कार्रवाई होती है, तत्काल उस विषय पर एक्शन लिया जाता है, तो इस विषय को किसी अन्य तरीके से लेने की मेरी दृष्टि में कोई आवश्यकता नहीं है। जी, आपकी दृष्टि बिल्कुल समझ में आती है। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके मंत्री और आपके मुख्यमंत्री के बीच का मामला है। जगदीश शर्मा जी, ये वाकई में उतना ही स्वाभाविक है जितना शैलेश कौशिक जी को नजर आ रहा है? जगदीश शर्मा जी, जी, जगदीश शर्मा जी, सवाल आपसे था कि ये मामला इतना ही स्वाभाविक नजर आता है, इतना ही सिंपल है जितना कि शैलेश कौशिक जी को नजर आ रहा है? देखिए मीना जी, ऐसा है, ये किरोड़ी लाल जी की आदत का भी सवाल है। आप थोड़ा ये देखिए, अभी ये पावर में आ गए चार पांच महीने से, पांच महीने हुए तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इनकी आदत का पार्ट है कि किसी ऐसी होती हुई चीज को देखकर परेशान होते हैं। अगर कहीं करप्शन का कोई मामला उनकी नजर में आ गया है या कोई अनदेखी हो रही है और उन्होंने पार्टी के लेवल पर उठाया भी हो, मान लो उसको पहले फिर नहीं हो रहा है उसमें करप्शन, तो उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा है, मैं इसको जो है कोई बहुत ज्यादा, हालांकि ये थोड़ा सा लगता और है कि अपनी पार्टी के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ एक लेटर लिखा जाए, लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि वो अच्छा करने की फितूर में रहते हैं किरोड़ी लाल जी, तो अच्छा करने के लिए अगर लेटर लिख दिया है तो कोई गलत बात नहीं है, मेरी मान्यता ये है। जी
नेट की गड़बड़ लग रही है मेरे ख्याल में, ये मीना जी के दफ्तर में ही नेट की गड़बड़ लग रही है जी। कुछ तकनीकी परेशानी बीच में आई थी। तो राजीव तिवारी जी, ये मुख्यमंत्री को बार बार याद दिलाना है कि भाई उनसे वरिष्ठ लोग जो बैठे हुए हैं वो आपको बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। ऑडियो ऑन करें राजीव तिवारी जी। सोशल मीडिया पर कोई दूसरी पार्टी का नेता इस तरीके की बात करे तो समझ में आता है, लेकिन जब आपकी सरकार है, आपकी पार्टी सत्ता में है, उसके बाद आप खुद मंत्री हो, उसके बाद अगर आप किसी भी विषय पर सीधे सोशल मीडिया पर, हो सकता है उन्होंने पहले कोई चिट्ठी वैसे भी लिखी हो व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन सोशल मीडिया पर आप इस तरीके की बात करते हैं तो वो अनुशासनहीनता माना जाना चाहिए, क्योंकि आप यानी आपको विश्वास नहीं है कि मैं मेरी व्यक्तिगत कोई पत्र लिखूंगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये तो एक तरीके से मुख्यमंत्री पर आप अपना अविश्वास प्रकट कर रहे हो, जो उसको सार्वजनिक रूप से, आपको अगर कैबिनेट में कोई सीएम कैबिनेट ऑफिस के अंदर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आप उसको संगठन के लेवल पर भी आप स्टेट प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख सकते थे, आप और खुद मिलकर बात कर सकते थे भजनलाल जी से, या तो भजनलाल जी इनसे मिल नहीं रहे हैं या इनका कोई फ्रस्ट्रेशन है किरोड़ी लाल जी का। भाई आपको खबरों में बने रहना है तो उस समय तक तो ठीक है जब तक आप विपक्ष में हो, आप अपनी बात को किसी भी तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, अब आप सरकार की बात ही सरकार पब्लिक उससे पहुंचाना चाहते हो सरकार के पास, तो ये तो ठीक बात नहीं है जी। इसको तो देखना तो चाहिए, बीजेपी नेतृत्व को इस चीज को देखना चाहिए कि भाई आप सारी बातों को ऐसे ही अगर उस पे कर देंगे, सोशल मीडिया पे, पब्लिक डोमेन पे ले आएंगे तो उसका फिर क्या विपरीत असर पड़ेगा उसका। वो पहले भी एक बार खुलेआम कह चुके मंच से कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर कन्हैया लाल जी नहीं जीते तो, और भी उनके कई इस तरीके के वीडियोस सामने आए जिसमें इस्तीफा देने की बातों की, तो एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि वो अपने मंत्रालयों से खुश नहीं है और किसी तरह पल्ला झाड़ना चाहते हैं। खुश नहीं है तो पार्टी में कोई ना कोई मंच तो ऐसा होता ही है ना, जहां आप अपनी बात रखकर अपनी जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान कर सकते हैं। अगर आप खुश नहीं है तो आप जाके केंद्रीय नेतृत्व से या स्टेट में जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आप जाकर सीधे बात करें, इसका मतलब थोड़ी आप पब्लिकली पूरी सरकार को बदनाम करेंगे जी। तो पूरी सरकार की बदनामी हो सकती है, कांग्रेस सरकार में भी राजकुमार मीणा जी आपको याद होगा मुख्यमंत्री को ऐसी चिट्ठियां कुछ लोगों के द्वारा लिखी गई थी, नाम उनके मैं लूं आपको ध्यान है, भरत सिंह जी से लेकर तमाम जो कुछ चर्चाएं पिछले 5 साल में चली, कोटा से आने वाले पूर्व पंचायत राज मंत्री थे वो। सवाल ये है कि ऐसी सरकार के विधायक या सरकार के नेता या सरकार की पार्टी के नेता या फिर मंत्री कैबिनेट के, जब इस तरह सरकार के लिए कोई भी परेशानी खड़ी करते हैं, अगर राजीव तिवारी जी की बात को माना जाए समझा जाए तो ये एक परेशानी खड़ी करने की कोशिश है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री पर अविश्वास जताना है। जब मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं हो तो उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है, आप इसके भुक्त भोगी हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री के कामकाज पर कितना असर पड़ता है राजकुमार मीणा जी? जी बिल्कुल, अगर अपने ही सरकार के मंत्री या विधायक अपनी ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगाए तो निश्चित रूप से समस्या तो सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप अपनी सरकार पे नहीं लगा रहे आप, थोड़ा सा ध्यान। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी सरकार का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, उसका एमपी विधायक या कुछ भी कैबिनेट मंत्री अगर अपनी ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो सरकार को समस्याएं तो उत्पन्न होती है। लेकिन किरोड़ी लाल जी का क्या है, किरोड़ी लाल जी का स्वभाव रहा है कि मैं एक बात कह रहा, चोरी कब खुलती है, या तो चोरी में बंटवारा सही से हो जाए तो वो दबी रहेगी, या कुछ हिस्सा ना मिले तो दबी रहेगी। अगर उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं,
चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगाए हो, चाहे उन्होंने चिट्ठी लिख के बोली हो, तो इस पे भाजपा सरकार को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। क्या वास्तविकता में वहाँ पे गलत हो रहा है? ठीक है, क्या वास्तविकता में वहाँ गलत हो रहा है? उसपे कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे को दबाने की जगह भ्रष्टाचारी कार्रवाई होना चाहिए। राजकुमार जी, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू करो, थोड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से बात करो, थोड़ा नेताओं से समझो, थोड़ा मीडिया को देखो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है प्रदेश में, और किस तरह के आरोप या किस तरह की बातें या किस तरह की चिट्ठियां लिखी जा रही है। उन्होंने अपनी सरकार पे आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाले की आशंका बताई है और उसको लेकर टेंडर जो है निरस्त किए गए हैं, पुराने जो कुछ लोगों के द्वारा किए हुए, लेकिन अभी उनको नजर आ रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि वो अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दा ये है कि एक कैबिनेट मंत्री को अपनी बात कहने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आपके यहाँ तो ये पुरानी रवायत रही है, पुरानी परंपरा रही है। आपके यहाँ सचिन पायलट लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे थे और उसकी वजह से सरकार को जो नुकसान होता है, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को जो परेशानी खड़ी होती है, वो क्या होती है, मैं वो आपसे समझना चाह रही थी, अगर आप उस पर थोड़ा रोशनी डाल पाए तो। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कांग्रेस है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे संगठन में सबको आवाज उठाने का बराबर अधिकार है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे मंत्री हो। विधायक पायलट साहब ने अगर उनको अनुचित लगा है तो निश्चित रूप में उन्होंने आवाज उठाई है, उसके खिलाफ वो बोले हैं। अगर ये बोले हैं तो जो सरकार चलाते हैं उन्हें परेशानी तो होती है, अपने ही लोगों द्वारा अगर आरोप लगाए जाते तो निश्चित तौर पे काम काज में उनको परेशानी होती है। लेकिन ये है कि किरोड़ी लाल जी पे जब आप बात आ रहे हो, किरोड़ी लाल मीणा ने जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आज तक एक भी सही निकला क्या? सिर्फ वो उनका मंत्री पद ना मिलने के कारण, अपनी योग्यताओं के कारण, अपने क्षेत्र की जनता से बोला था मुझे वोट दो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मोदी जी ने मुझे डायरेक्ट बोला है। उनका लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको जवाब दिया है। किरोड़ी लाल जी का आप कह रहे हो, कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा निकलता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जिसके ऊपर लगता है उसको संज्ञान लेके उस पर समस्याएं होती है और उनको काम करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, समस्याएं होती हैं, समस्याएं किस किस को होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, सवाल ये है। विनय जोशी जी, क्या चर्चाएं हैं दौसा में? मीना जी नमस्कार। एक तो मैं ये बताना चाह रहा था, वे सभी पे लागू है, ना कि किरोड़ी लाल जी के ऊपर। जब आप संविधान की शपथ लेते हो, मंत्री पद ग्रहण करते समय, उस समय इस बात की शपथ लेते हो कि मैं कोई भी कार्रवाई सरकार के बाहर जाके आउट नहीं करूंगा, अपना विरोध प्रकट नहीं करूंगा। इसका पूरा हिंदी अनुवाद ये होता है कि मैं सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट नहीं करूंगा और सरकार का जो निर्णय है उसमें मेरी सहभागिता रहेगी। कैबिनेट मंत्री का मतलब ये होता है सरकार का अभिन्न अंग। मुख्यमंत्री का जो दर्जा है वो भी कैबिनेट का ही होता है और कैबिनेट मंत्री विभाग अलग बटे हुए जरूर है लेकिन पूरे सरकार का एक मुख्य हिस्सा होता है। अभी प्रोटोकॉल जो मुख्यमंत्री के ऊपर लागू है वही कैबिनेट मंत्री पे लागू है। आपको किसी भी कैबिनेट मंत्री को सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर नहीं दिया जा सकता, ये प्रोटोकॉल में है। अब आप प्रोटोकॉल को ही खुद ही तोड़ोगे, आपको कोई भी बात रखनी है, अब आप विपक्ष के नेता नहीं हो, आप एक सामान्य एमएलए नहीं हो, आपको मर्यादा तो बना के रखनी ही पड़ेगी। आप नए एमएलए को क्या शिक्षा दोगे? इतना सीनियर नेता अगर प्लेटफॉर्म सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया पर यूज करके कैबिनेट मंत्री होने के बाद में अगर ये संदेश देना चाहता है तो नए जो युवा विधायक बने हैं वो क्या सीखेंगे, जो नए मंत्री बने हैं वो क्या सीखेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किरोड़ी लाल जी मीणा के ऊपर। उनको राजनीति करते हुए 50 साल हो गए। बात ये नहीं है कि बात विरोध की है, बात जनता के हित की है। सबसे पहले आप सरकार के अंग हो, आप अगर परिवार के मुखिया हो तो परिवार का मुखिया बाहर जाके नहीं रो सकता कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती, मेरी बहू कहना नहीं मानती। अरे भाई, परिवार के मुखिया का नात काम ही होता है, बाबा हो, ताऊ हो, चाचा हो, सबको मिल सामंजस्य बिठाएं। अगर आप कैबिनेट मंत्री हो, आपकी किसी मुख्यमंत्री नहीं बन रही तो दोनों जिम्मेदार है, एक जिम्मेदार नहीं हो सकता। या तो कुछ कमी आप में है कि आप मुख्यमंत्री का अपने साथ नहीं ले पा रहे, या कुछ कमी मुख्यमंत्री में है वो आपका साथ नहीं ले पा रहे।
तो इसमें कम से कम आप मर्यादा का तो ध्यान रखें। ये मर्यादा हर चीज के ऊपर एक मर्यादा बनी हुई है, एक नियम बना हुआ है, सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, क्या उसकी पालना नहीं करनी चाहिए? हम केवल पब्लिक सिटी के लिए काम करेंगे हमेशा, यह संभव नहीं है। और ऐसी बातों के लिए कम से कम किरोड़ीलाल जैसा सीनियर व्यक्ति जिसने भैरव सिंह शेखावत जी से देखकर, अशोक गहलोत का शासनकाल देखा, वसुंधरा राजे का शासनकाल देखा, भजनलाल जी का शासनकाल देखा, आप चार चार मुख्यमंत्रियों के शासनकाल, आप उन्हें कई शासन में हिस्सेदार रहे, भैरव सिंह जी को छोड़ दो आप, तो वसुंधरा जी के शासनकाल में आप हिस्सेदार रहे, आप अशोक गहलोत जी के शासन में गोलमा देवी मंत्री रही, और आप भजनलाल जी के शासन में आप हिस्सेदार हो, तो आपकी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्या एक कैबिनेट मंत्री प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे शिकायत कर सकता है, नहीं कर सकता? सबसे बड़ी सवाल बहस तो इस बात पर होनी चाहिए, ताकि आज हमारी इस बहस को कोई सुने तो उसके लगना चाहिए यार हमारी भी जिम्मेदारी ये है। ये बौद्धिक वर्ग लोग बैठकर इन्होंने हमें ये बात बताई है कि वाक्य में एक एमएलए की क्या मर्यादा होती है, कैबिनेट मंत्री की क्या मर्यादा होती है, और उसको किस तरह बंद के रहना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म। अच्छा आप बताइए, क्या जी, क्या मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री मिल नहीं सकता, मिल सकते हैं क्या? क्या फोन पे बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? मैं कहता हूँ वो तो सुझाव दे रहे हैं सरकार को, तो क्या सोशल मीडिया सुझाव देने का तरीका क्या? जी बीजेपी में तो अभी तक राकेश वशिष्ठ जी बिल्कुल ठीक है, विनय जोशी जी आपके मुताबिक कैबिनेट मंत्री के पद की जो गरिमा होती है और मुख्यमंत्री के साथ उनका जो रिश्ता संवैधानिक है उसके मुताबिक उन्हें इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपनी बात को रखना नहीं चाहिए। राकेश वशिष्ठ जी सवाल ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री उनसे मिल नहीं रहे हैं, क्या टेलीफोन पे उनकी बात नहीं हो रही है, ये तमाम तरह की बातें हैं। इन बातों के बीच में सवाल एक ये उठता है कि जिस अनुभव के साथ जितनी लंबी राजनीति डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने की है, जितनी भी उनकी इस समय जो भी कुंठा है या उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज की जो बीजेपी है उस बीजेपी में इस तरह की राजनीति की जगह कितनी देख रहे हैं आप? क्योंकि आज की बीजेपी में ऐसी मुखर आवाज, ऐसा रवैया दिखाने की कोशिश ज्यादा लोगों ने नहीं की है। पिछली अशोक गहलोत सरकार में हमने ऐसा बार बार देखा था, क्या इस बार भी हमें बार बार ऐसा देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री के सामने उनके मंत्री खड़े नजर आएंगे? किसी न किसी रूप में यहाँ सामने नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री को संदेश है यहाँ पर। देखिए मीना जी, मैं सबसे पहले तो विनय जोशी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने संविधान शपथ लेते वक्त जो संविधान की शपथ ली थी उसका उल्लेख किया, जो जब एज ए मंत्री उन्होंने जो शपथ ग्रहण की उसमें ये साफ है कि मैं विधि द्वारा स्थापित और सरकार के जो उनका लुब्बुलुबा यह है कि सरकार की जो ड्राफ्टिंग है, सरकार की जो सीक्रेसी के जो आपस में निर्णय होते हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक कि सरकार की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया में इस तरह से कुछ करना या ना करना वो उसकी शपथ ग्रहण की के खिलाफ नहीं है, अवैध जाता। मैं ये बात तो मान सकता हूँ कि उनके इस तरह से सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार को लेकर के भजनलाल सरकार के खिलाफ जो लिखा या बात बनाई वो उनकी अंदरूनी कटुता को तो उजागर कर सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे तो उनको इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा सके या दंडित किया जा सके। दूसरी बात, ये वो राजनेता हैं, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, जनता को जब तक पता नहीं लगेगा, हालांकि सब जानते हैं किरोड़ीलाल जी की कार्य पद्धति को, किरोड़ीलाल जी कब क्या कहें क्या करते हैं कोई पता नहीं। अच्छा एक काम तो उन्होंने किए हैं, कुछ मामले उठाए तो वो अच्छे उठाए हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो चाहे ये हो, मीना जी बड़ी प्रैक्टिकल बात है, आप जहां अपना उंगली रखोगे वहीं दर्द होगा। भ्रष्टाचार ने इस हमारे पूरे देश को, हम लोगों की सारी सरकारी
जो तंत्र है इसको इतना खोखला कर दिया है कि आप इसको निपटाने में अभी आपको कोई हंसी मजाक खेल नहीं है इसको करने के लिए। ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिससे आप यूं करेंगे, इस तरह भी हो सकता है। पहले आपकी रिश्वत हजारों में हुआ करती थी, अब करोड़ों में रिश्वत होती है। पहले आपके बरामद की होती थी लाखों में, और अब जो है मशीनें लगानी पड़ती हैं उनको गिनने के लिए, इस तरह की होने लग गई है। क्योंकि किरोड़ी लाल जी जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं और वो जनता के बीच भी दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना मुखर हूँ। वो अपने मतदाताओं को भी बताना चाहते हैं कि मैं कितना मुखर हूँ और मैं आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं कर सकता, ये उनका मकसद हो सकता है। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, अभी सरकार चार पाँच महीने हुए हैं अभी आगे, अब तक जितने भी मामले उठे हैं उनमें तत्पर कार्रवाई हो रही है, ये बात भी सही है। और ऐसे ऐसे मामले उठ रहे हैं, अब आपका जल जीवन मिशन का 900 करोड़ का जो मामला है, ऐसे ऐसे मामले जब जांच हुई, गोरीलाल जी ने मामला उठाया था पहले भी, अब वो किस गति से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये उनके मन में कुंठा अवश्य हो सकती है कि जिस उम्मीद से उन्होंने इस मामले को उठाया उस गति से वो उसमें आगे कोई कार्रवाई ना हो रही हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है ना, मेरा बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव बन रहा और सभी को, अपने जो पत्रकार बंधु सभी को अनुभव होगा कि इसमें ब्यूरोक्रेसी हर जगह रंगे लगाती है। आपको एक अफसर दूसरे को सहायता करता है और वो कोशिश करता है कि ये मामला थोड़ा डायल्यूट हो जाए और हमारे साथी या जो आ रहे हैं वो बच जाए। सरकार की भी कुछ गड़बड़ियां होती हैं, आपने देखा पहले कुछ IAS और IPS पकड़े गए थे, दो बार पकड़े गए, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुशंसा नहीं की सरकार ने। ये तो भजनलाल सरकार आई जिसकी अनुशंसा पर उनके लिए उनके खिलाफ चार्जशीट दायर हुई और आगे कार्रवाई होने जा रही है। तो इस तरह की विसंगतियां हैं ना, उसके कारण भी थोड़ा ये स्लो प्रोसेस होता है और कुछ कानूनी दिक्कतें भी आती हैं कि आपको उसको साबित करने के लिए एक एक पक्षपन को ये साबित करना पड़ता है कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे उन्होंने नकली आपका पाइप का आया इस मामले में, आपकी जो उनका मेजरमेंट है उसके अनुसार से पाइप नहीं थे, इस तरह की बातें हैं। तो इसको इतने हालांकि ये इस तरह की बातें करना चर्चा का विषय है और चर्चा हो भी रही है कि इस तरह किरोड़ी लाल जी का इस तरह से पत्र लिखना, सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को आगाह करना या करना, वो कितना उचित है या नहीं है। मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसको लेकर शैलेश कौशिक जी, जितनी तरह की राय हमारे सामने है, लेकिन ये बात स्वाभाविक रूप से उठती है, जितनी स्वाभाविक रूप से आपने कही कि पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को अवगत करा सकते हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बात अवगत करानी पड़ रही है, इसका मतलब उनके और मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत या संवादहीनता है। देखिए, कोई संवादहीनता न तो माननीय मुख्यमंत्री और न माननीय किरोड़ी लाल जी या अन्य किसी मंत्री या विधायक के बीच है। राजस्थान में वर्तमान में ऐसा माहौल है कि अभी जब आचार संहिता लगी उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के साथ भी जिस तरीके से मिलते थे, उसके बाद जितने भी MLA और MPs को जितना समय देते थे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये खुद विधायक कहते थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलना बड़ा सुगम और आसान हो गया है। अब रही बात आपकी चिट्ठी लिखने की, अगर किसी तरीके की कोई आशंका है, किसी तरीके का कुछ लग रहा है और उसको सुझाव के रूप में अगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते, एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते लिखा और उस पर कार्रवाई अगर होती है, तो इसमें किसी को क्या दर्द है और क्या नुकसान है? आप बताइए, उन्होंने JJM मामले में भी जो ये था कि जो जमीनों की नीलामी हुई थी और जिस तरीके से ERC के निगम को जमीन सौंपने का काम किया गया था और जिस तरीके से कौड़ियों के भाव जमीन बेची थी, उन्होंने उसमें भी पत्र लिखा था और उसमें भी कार्रवाई हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस नीलामी को निरस्त किया। तो निश्चित रूप से अगर आपके पत्र लिखने से राजस्थान की जनता का भला हो रहा है, आपके पत्र लिखने से भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, आपके पत्र लिखने से अगर देश राजस्थान की जनता को लग रहा है कि एक सरकार ऐसी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है? इसको किस तरीके से हम अगर इसको किसी भी तरीके से घुमाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आप देखिए रिजल्ट क्या आते हैं। आज किरोड़ी लाल जी ने, आप अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आज जो लोग रीट के उसके जो अजय पाल जी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 71 फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ेंगे। तो ये सारी कार्रवाइयां सरकार में तो हो रही है और किरोड़ी लाल जी ने भी रीट का मुद्दा कितना उठाया था, लोगों ने फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के माध्यम से लेवल 1 लेवल 2 में एडमिशन लेने के लिए कार्रवाई की।
तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं उसके अगर परिणाम आते हैं पत्र लिखने से, वार्ता करने से, सुझाव देने से, तो इसको हम सबको एक प्रशंसनीय कदम मानना चाहिए। इसको इस तरीके से दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। अगर किरोड़ी लाल जी की कार्रवाई करने के बाद, पत्र लिखने के बाद कार्रवाई ना हो तो एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, लेकिन अगर तुरंत प्रभाव से जमीनों की नीलामी निरस्त की गई हो, आज डीट में कार्रवाई हो रही है और अब ये मैटर है जो संज्ञान में आया, इसके बाद कार्रवाई होगी, तो राजस्थान की जनता के हित में है, राजस्थान की जनता के लिए सार्थक कदम है। जी जगदीश शर्मा जी, इसे अच्छे रूप में लिया जाना चाहिए, इसे प्रदेश की जनता के लिए अच्छे फैसले लेने के रूप में लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को अपनी बात कैबिनेट मंत्री चिट्ठी के जरिए पहुंचा सकते हैं। पत्राचार तो वैसे भी होता रहा है मंत्रालयों में, मुख्यमंत्री के यहाँ पर बहुत सारे जो जिस तरह के क्या बोलते हैं इनको, जो डिजायर है वो भी चिट्ठियों के माध्यम से ही जाती है, तो चिट्ठी लिख रहे हैं कैबिनेट मंत्री, तो इसमें इतनी कोई बुरी बात नहीं है। शैलेश कौशिक जी के हिसाब से इसमें इतना ही स्वाभाविक है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, बल्कि जनता का हित होता है। क्या बीजेपी, आज की बीजेपी जो है वो इसे इस तरह से, बीजेपी का जो आला कमान है अभी तो चुनाव में व्यस्त है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं नतीजे क्या आएंगे उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया कुछ देखने को मिलेगी? मीना जी, चुनाव से तो इस लेटर का कोई लेना देना नहीं, मैं मानता नहीं, इस तरह के व्यवहार की बात कर रही हूँ, चिट्ठियां लिखने की प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। चुनाव के नतीजों में मैंने इसलिए पूछा, चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के बहुत फेवर में आते हैं तो उनका काम करने की शैली अलग होगी, और अगर फेवर में नहीं आते हैं तो दबाव के साथ काम होगा, जैसे कांग्रेस पार्टी काम, कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी। वो किरोड़ी लाल जी का तो काम करने का एक ही तरीका है, चाहे पॉलिटिकली वो सपोर्ट होता हो नहीं होता हो, वो इसमें बदलते नहीं। मैंने उनको बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिक्स करते हुए देखा है, भैरव सिंह जी के टाइम से भी मान सकते हैं आप, 77 से मैं देख रहा हूँ उनको, जनता पार्टी की सरकार थी तब से उनको देख रहा हूँ मैं, उनका काम करने का एक ही स्टाइल है। सवाल ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे लेटर डाला गया है, ये लेटर पहले मुख्यमंत्री को भेजा गया है या नहीं भेजा गया है? नहीं, मुख्यमंत्री को भेजा गया, मुख्यमंत्री को भेजी गई है, तो फिर तो चीफ सार्वजनिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक किया है, वो उससे पहले मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है उन्होंने कि इस पे कार्रवाई करवाई है, आप होनी चाहिए। अब ये पब्लिक डोमेन में उसको दे दिया है लेटर को, कि सोशल मीडिया मीडिया पर भी डाल दिया, तो ये पब्लिक अपने वोटर्स को बताने के लिए भी शायद उन्होंने जरूरी समझा है, समर्थकों को बताने के लिए, तो उन्होंने उसको सोशल कर दिया। अच्छा, ये ऐसी चीज नहीं है कोई कि भाई गुप्त चीज हो रही हो या स्टेट के प्रति कोई षड्यंत्र की बात हो रही हो, सार्वजनिक चीजें आए दिन की चीजें, आए दिन पब्लिक यूटिलिटी की चीज कर रहे हैं वो, जो कोई और ऐसा उदाहरण कई लोगों ने दिए भी है कि जब उन्होंने ये एआरसीपी की जमीनों के मामले में जो झंझट हो रहा था, गुपचुप जमीनों को नीलाम किया जा रहा था, तो उन्होंने उसको सार्वजनिक किया, लेटर भी लिखा सार्वजनिक किया, उस पर कमेंट भी किया भैया, और उस पर कार्रवाई हुई, और देखो रुक गई थी, मुझे जहां तक ख्याल है वो जमीनों की नीलामी को रोक दिया गया था। तो ऐसे ऐसे जो है, जब तक जो राज्य के हित में विपरीत असर नहीं डालते हो, स्टेट के उसमें कोई विपरीत असर नहीं डालते हो, तब तक जो है ना, वो जैसे विनय जी बोल रहे थे कि भाई सीक्रेसी की वो लेते हैं, तो सीक्रेसी उसी चीज की होती है, सार्वजनिक कामों की कोई सीक्रेसी नहीं होती। किसी ने कोई ज्ञापन दिया उसको सार्वजनिक और उसको भी लगा दिया, तो देना ही सार्वजनिक है, इसलिए उसमें सीक्रेसी क्या हो गई सार्वजनिक। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको कि इश्यू बनाया जाए। अगर इस लेटर में कोई ऐसी चीज होती जो कि स्टेट के हित के खिलाफ होती या सरकार के खिलाफ होती या सरकार की यूनिटी को तोड़ने के लिए कोई बात होती, अपनी पार्टी की यूनिटी को तोड़ने के लिए कोई बात हो, तब ये थोड़ा क्वेश्चन खड़ा होता कि किरोड़ी लाल जी ये क्या कर रहे हैं।
जबकि वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री को जगा रहे हैं कि उनके यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह की संभावनाएं आशंकाएं हैं, इसे रोकना है, मुख्यमंत्री को जगा रहे हैं। लेकिन राजीव तिवारी जी, मुख्यमंत्री जो जगदीश शर्मा जी ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तो इसी तरह का व्यवहार रहा है, उन्होंने तो ऐसी ही बुलंद राजनीति की है एकदम खुले। हालांकि हमने इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो रोड शो में थे तो उनका ये खुला अंदाज देखा था सबने, और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि वो अपने वोटर्स को जरा सा फ्लाइंग किस करने से भी कैसे डर रहे थे, मतलब मोदी जी के साथ बैठे हुए। लेकिन उसमें नहीं उलझते हैं हम, मुद्दा ये है कि आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास खोने को कुछ नहीं है, वो जीवन के लिए उस फेज में है जहां उनकी ये पारी जो है वो मतलब आखिरी पारी भी हो सकती है, उनकी उम्र के लिहाज से भी देखा जाए हो सकती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने भैरव सिंह शेखावत से लेकर जगदीश जी ने जैसे कहा वसुंधरा राजे को भी तीखे तेवर दिखाए, पार्टी भी छोड़ दी, उसके बाद अभी भी वो अपने जो उनको मिला है उससे खुश नहीं है, तो इसे इस रूप में कि वो खुश नहीं है इसलिए खबरों में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री को बार बार बताते हैं कि भैया देखो मैं जो है वो ज्यादा जागरूक और अवेयर हूँ, या फिर सच में हूँ राज्य के एक मुखर नेता के रूप में, एक जागरूक नेता के रूप में, जनता के मुद्दों को उठाने वाले नेता के रूप में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बातों को सीखेंगे, समझेंगे और उनसे अपनी सरकार को चलाने में मदद लेंगे आगे। देखिए किरोड़ी लाल जी की शुरू से राजनीति इसी प्रकार की रही है कि वो आगे बढ़ चढ़ कर चीजों को रखते हैं, और फिर इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि वो हर चीज का क्रेडिट अपने पास रखना चाहते हैं। श्रेय जो होता है कि श्रेय मैंने ये मामला उठाया था, सरकार ने इस पर ये काम किया, ये देखो मैं कितना पीछे पड़ा था, ये मैं देख लो सोशल मीडिया पर भी है, सार्वजनिक रूप से भी है, मेरे भाषणों में भी है, सब जगह ये बात है। तो ये जो सारी बात है उनकी वो एक श्रेय लेने का कि भाई ये देखो अगर जल जीवन मिशन में भी कोई कार्रवाई हुई है तो ये किरोड़ी लाल मीणा ने तुम्हारे नेता ने उठाया था, और ये देख लो मेरे कितनी प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैंने इसको लेकर मुहिम चलाई तब जाकर सरकार सक्रिय हुई और ये काम हुआ। ऐसे ही उन्होंने पेपर लीक मामले में भी पूरा उठाया था मामला, ऐसा नहीं है, वो मामले बिल्कुल बराबर अच्छे लेके आते हैं, ERCP की जमीनों वाला था और भी बहुत सारे मामले हैं, उन्होंने अवैध खनन का इसका कई सारे मामले उठाए हैं, लेकिन उनका जो वो एक स्टाइल है कि क्रेडिट मेरा कहीं इधर उधर ना चला जाए, ये मुद्दा मैं उठा रहा हूं तो इसका श्रेय भी मेरे पास ही आना चाहिए, मेरे मतदाताओं को पता होना चाहिए कि डॉक्टर साहब ने ये काम किया है। तो जितना चाहे से वो आरक्षण को लेकर था, उन्होंने वो पूरी दौसा से लेके जयपुर तक अपना कूद चलाया था, तो उसमें भी सारी चीजें वो कभी भी भले ही सरकार में रहे या विपक्ष में रहे वो अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसका पूरा क्रेडिट वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, और यही वजह इस बार भी है कि भाई आपने पत्र लिख दिया, आप वेट तो करो, अभी आचार संहिता लगी हुई है, क्या कार्रवाई होनी है क्या होनी है, मुख्यमंत्री अभी लगातार दौरों पर है, अलग अलग राज्यों में उनके चुनावी दौरे चल रहे हैं, तो उनको आने तो दो, बात तो होने दो, आप उसको सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है भाई, आप सरकार को कार्रवाई के लिए ही तो कह रहे हो, तो कार्रवाई के लिए तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो ना उनको, आपको सोशल मीडिया पे पत्र डालकर कहने से ही कुछ थोड़ी हो जाएगा, या सरकार पर दबाव बन जाएगा किरोड़ी लाल जी ने डाल दिया इस पे, अब तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई सरकार का भी एक प्रोसीजर होता है, जांच होती है और होती है, और कौन कौन अधिकारी उसमें लिप्त हैं उनका पूरा पता लगाया जाता है, कौन पुराने मंत्री उसमें लिप्त है या कोई और राजनेता विधायक कोई लिप्त है तो उनका पूरा ब्यौरा निकाला जाता है। हालांकि सारी चीजें सिद्ध हो चुकी कि भाई लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप लगा दिए, जो वहां पर 100 mm के पाइप लगने थे उसकी जगह 40 mm के पाइप लगा दिए, जिससे प्रेशर ही कम हो गया पानी का, तो वो बहुत सारे हैं, जो टंकियां बनी उसमें घटिया किस्म का उन्होंने मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, तो बहुत सारी चीजें थी जिनमें इन्होंने उठाए मामले, अच्छे हैं जनहित के मामले हैं, लेकिन
वो सरकार को काम तो करने दो। तो अभी हालांकि किरोड़ीलाल मीना के सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह की चिट्ठी अभी नहीं है, लेकिन पब्लिक में इस खबरों में ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस तरह से चिट्ठी लिखी है और वो पूरी बात सामने है। सवाल की राजकुमार मीणा जी, ये जो श्रेय लेने का राजीव तिवारी जी जो बता रहे हैं, श्रेय लेने की जो होड़ है, ये श्रेय लेने की होड़ 5 साल आपके यहाँ भी रही कि भाई चुनाव जिताकर तो सचिन पायलट लाए, और सरकार में एक दो मंत्री ऐसे होते हैं जो श्रेय लेने के लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं जी। तो ये जो श्रेय लेने की जो होड़, ये जो श्रेय लेने की होड़ है राजकुमार मीणा जी, ये सरकार के काम को कितना प्रभावित करती है जी। हर सरकार में जो भी मंत्री विधायक जो चुन के आते हैं, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, उनकी उम्मीद होती है कि मुझे कितना कुछ मिलेगा। अगर उतना ना मिल पाने पे श्रेय लेने की होड़ हर नेता में बनी रहती है, लेकिन ये प्रभावित कार्य को निश्चित तौर पे करता है। कहीं ना कहीं ये सरकार की आपसी अंतर्कलह को खोलता है कि हो सकता है कि इनके बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि वो उसको कार्य नहीं करने देना चाह रहे अपन को अपने संगठन या उच्च पदाधिकारी के सामने, और अच्छा और उससे बढ़िया नेता साबित करके उसे ऊंची पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपसी नेताओं की होती है और निश्चित तौर पे ये मिलता है। ऐसा नहीं कि ये भाजपा या कांग्रेस में होता है, हर लीडर होता है, उसकी अपनी अपेक्षाएं होती है, उसकी अपनी उम्मीद होती है कि मैं जीत के आया हूं या मुझे इतने वर्ष कार्य करते हुए हो गए और मुझे उचित मंत्री पद या जो भी उन्हें मिलना चाहिए था उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलता है तो ये होता है। तो ये एक सोचने का विषय है कि अगर इस प्रकार की अंतर्कलह अगर सामने आ रही है तो क्या आगामी दिवस में भी सरकार इसी तरह चलेगी, क्या वो जनता के मुद्दों तक भी पहुंच पाएगी, या अगर मुख्यमंत्री जी कोई योजना लाते तो उनके मंत्री उनके खिलाफ उतर जाएंगे या वो धरातल पे भी आ पाएगी। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है मीना जी जो वो तो इसके पीछे निकल कर आती है। हम अगर इस पर चर्चा करने जाते तो अगर आज एक कोई चीज आई है उस पर अगर किरोड़ी लाल जी ने मैसेज दिया है तो निश्चित रूप से वो उनके सरकार के मंत्री थे, उनसे बैठ के बात हो सकती थी, फोन पे बात हो सकती थी। बिल्कुल ये विनय जी ने जैसे बताया कि एक संवैधानिक चीज भी होती है, लेकिन अगर जनता के बीच में आप आ रहे तो आप जनता को कहीं ना कहीं ये संदेश तो दे रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं। राकेश वशिष्ठ जी, संदेश की जो राजनीति होती है, बहुत सारी सरकारें आपने देखी हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, उन मुख्यमंत्रियों को ऐसे कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा चिट्ठी लिखने के कुछ उदाहरण आपके हर सरकार के रहे हैं, सामने आए हैं कुछ ऐसे उदाहरणों से, जब सरकार को मुख्यमंत्री को खास करके जब ऐसी चिट्ठियों की चर्चा जब बाजार में होती है, मीडिया में होती है, लोगों के बीच होती है, तो उनके रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं आने वाले समय में, पूर्व के उदाहरणों से आप थोड़ा समझा सकते हैं। देखिए मीना जी, इस तरह की जो घटनाएं हुई ना, अपने साथ ही तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सबका अधिकार है अपना अपना नैरेटिव बनाने का, अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं तिवारी जी की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि वो क्रेडिट लेने वाली बात, अब यह कि इतनी जल्दी क्या जरूरत थी, 20 दिन बाद आपके आचार संहिता हटने वाली है, बीच में और कोई मंत्री कूद पड़ता तो क्रेडिट तो उसको चला जाता। इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि क्रेडिट लेने के लिए होड़ में आपके किरोड़ी लाल जी ने ये काम किया। पूर्व में आप लेटर्स की बात कर रहे हैं, कई तरह की ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि सरेआम भाषणों में बोले हैं और मुख्यमंत्री की नॉलेज में हुए बिना लेटरबाजी हुई है, गुटबाजी हुई है और घटनाओं को एक दूसरे ऊपर आरोपित किया गया है। लेकिन ये जो घटना है इतनी गंभीर नहीं है जिसको लेकर के हम इतनी बड़ी बात हम चिंतित हों या सारी बात हो। ये बात सही है कि अगर किरोड़ी लाल जी थोड़ा संयम बरतते तो अच्छा होता, लेकिन उनकी नेचर, जगदीश जी ने कहा कि उनकी नेचर है, नेचर को तो आप बदल नहीं सकते, सबकी अलग अलग नेचर होती है। दूसरी बात, उनको अपने मतदाताओं के प्रति उनके खुद की भी जवाबदेही है, अपनी उनके समर्थक उनके प्रति भी जवाबदेही, उनको भी बताना कि मैं कितना मुखर हूं, मैं तक काम कर सकता हूं। तो इन सब बातों की वजह से हो सकता है कि किरोड़ी लाल जी ने ये सारे काम किया हूँ। अच्छा, आदत से तो आपको जैसा है पता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है वो, जरा सी बात चुप जाती है तो करते हैं। देखिए, मैं नहीं समझता कि सरकार में
इसके इसकी इनकी इस घटना को इसको लेकर के कोई ज्यादा गंभीर वातावरण बने या और कोई सारी बातें हों, इससे ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचार होंगे। पहले तो ये तो छोटा सा, अब तो कार्रवाई हो रही है आपकी, और लग रहा है कि हाँ त्वरित कार्रवाई हो रही है जो अब तक की जो कार्रवाई है। पहले तो उसको दबा के ही बैठ जाते थे, होता ही नहीं था। क्या जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम हुआ, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी इनके नेताओं को, क्या सरकार के मंत्री को जानकारी नहीं थी, क्या चीफ मिनिस्टर को जानकारी नहीं थी इतना बड़ा? क्योंकि देखिए मीना जी, आप भी जानती हैं और मैं जगदीश जी, राजदीप तिवारी जी भी जानते हैं, तो सरकार चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्री, सरकार जो है जब विभागों में अपने सेक्रेटरीज का चयन करती है तो बड़ा सोच समझ कर करती है, वो उनपे इस विश्वास के साथ करती है कि वो किस तरह का काम करेंगे, और उनकी बड़ी पार्टी निगाहें होती है, सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें इस तरीके, इसमें जिस तरीके से अफसर लगाए गए वो हमेशा चर्चित रहे। एक अफसर थे तो मैं भी और शैलेश जी काफी परिचित हैं, जो भरतपुर में भी रहे, शुरू से काफी चर्चित रहे, इवन आपके प्रोबेशन कार्ड से चर्चित रहे। शैलेश जी को मामला उठाया था, वो आपके पार्क वाला मामला, जिनके इनके गले में से खींच लिया था मैंने, जो करोड़ों की जमीन उन्होंने फ्री में दे दी थी अपने खास दोस्त को, एक पैसा भी नहीं लिया था। लेकिन मैंने नवभार टाइम्स में 8 कॉलम का समाचार छपा था, उसका अंदाजा थानवी साहब कलेक्टर थे, और उन्होंने मुझे बुलाया खासतौर से घर पर कोठी पर, वो बुला के, भाई राकेश तू क्या चाहता है, मैं इसकी नौकरी खराब, इसकी सर्विस खराब कर दूं क्या? मैं तो नहीं चाहता, ये आपकी इच्छा है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। इस तरह के ये जो अफसर जो करते हैं ना, बिना आपके ऊपर के हाथ के बिना नहीं कर सकते, और निश्चित रूप से इसमें जब आगे जांच बढ़ेगी तो आपको निकल के सामने आएगा कि किस किसका इसमें किसने हाथ रहा। एक उदाहरण बता दूंगा भ्रष्टाचार के प्रति, ये सरकार तो टॉयलेट करने की स्थिति में नहीं है, हो सकता है किसी को बुरा लगे। शैलेश जी को मालूम है, भरतपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता सर्जन आरबीएम कॉलेज स्कूल के दोबारा ट्रैप हुए, एक बार तो हो चुके ट्रैप, उनका केस चल रहा था, क्योंकि वो एक मंत्री के खास थे, पड़ोसी थे, रिश्तेदार, हाँ खास रिश्तेदार थे, उसके ऊपर एंटी करप्शन का जो लॉ है तो उसमें आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, नॉन डिलीवेबल ऑफेंस होता है, उसमें उसको हाथ क्या छोड़ दिया। बीएल सोनी डीजीपी थे इसके एंटी करप्शन के, उनको पूछा गया तो मुझे पता नहीं क्या है, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उन्होंने हार्ट की पेशेंट की हार्ट की दिक्कत की थी, इसलिए जबरदस्ती ले ली। भाई कोई कानून तो होगा, कानून का तो नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमकी डर की वजह से कर दिया। बाद में जांच हुई, मेडिकल बोर्ड बैठा, मालूम पड़ा कुछ भी नहीं है, फिर आखिर में उनको दोबारा से गिरफ्तार करना पड़ा। तो इस तरह की जो कार्रवाई, कम से कम अब तक के 5 महीने का 6 कार्यकाल निकला है, इसमें तो अभी तक कोई देखने को ऐसे नहीं मिली, और उम्मीद करते हैं 5 महीनों में राकेश वशिष्ठ जी, ऐसा कई बार हुआ है, ऐसे मौके आए हैं जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना श्रेय लेने के लिए विद्यार्थियों के बीच भी पहुंचे, आंदोलन रोकने के लिए भी पहुंचे, और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी सरकार को जगाने का काम करें। शैलेश कौशिक जी, मुख्यमंत्री को जब बार बार ये बताया जाता है कि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है, देखिए आप इस पर कार्रवाई करिए, देखिए आप ऐसा इन इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं यहाँ पहुंच के आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, जब बार बार मुख्यमंत्री को ऐसा याद दिलाया जाएगा तो मुख्यमंत्री की कार्यशैली, मुख्यमंत्री के खुद के आत्मविश्वास, मुख्यमंत्री के खुद के जो एक पद की गरिमा है, उस पर इसका कोई असर आप देखते हैं कि भाई अगर ऐसा बार बार होता है, अगर डॉक्टर किरोड़ी अपने एकदम मूल स्वरूप में ऐसे ही चलते रहे तो मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा कुछ? देखिए मीना जी, कोई भी चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, सब टीम वर्क से होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम है, मंत्री हैं। अगर आप इसको कोई मंत्री महोदय किसी मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से बता रहे हैं, और एक बात देखिए, आप क्रेडिट लेने की बात जब होती है, जब कोई आदमी बार बार किरोड़ी लाल जी ने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो उसकी वास्तविकता की भी तो पहचानी है, तो उसकी वास्तविकता में वो वास्तव में हुआ कि नहीं हुआ। अगर किरोड़ी लाल जी ने जेजेएम के जल जीवन मिशन पर विषय रखा और उसके बाद जिस तरीके से उसमें नीलामियों को रोका गया तो एक अच्छा कदम हुआ। आज अगर ये विषय को उठा, उन्होंने इसमें क्या क्या चिट्ठी में भी क्या लिखा है कि ये अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है, इसकी वित्तीय जांच हो, इसमें कितना घोटाला है, और जिस किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस पर जब तक इस पर प्रतिबंध लगे, तो आप एक बार बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या गलत लिख दिया कि जिसके बारे में उन्होंने कोई सरकार के खिलाफ कुछ कहा है क्या? उन्होंने केवल ये कहा है कि अगर इस तरीके का घोटाला है, इसमें आशंका है और इसके इस तरीके से कार्रवाई के लिए जब तक जांच होनी चाहिए।
तो आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि साहब मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निश्चित रूप से, और ये मंत्रियों का दायित्व भी है और मंत्रियों की सलाह देना और मंत्रियों से सलाह लेना, ये पूरा टीम वर्क का सिस्टम है। टीम वर्क में काम करने पर किसी भी तरीके का प्रश्नवाचक बात जब होती है, जब किसी टीम वर्क के अंतर्गत कहीं कैबिनेट में कोई बात विवाद हो, बात यह है कि किसी तरीके से जो कांग्रेस के शासनकाल में, मैं इस विषय पर आना नहीं चाहता था कांग्रेस वाले सिस्टम में, वो तो विषय अलग है, जिस तरीके से उनमें पीएससी की मीटिंग में और उस तरीके से उद्यम होते थे, आप उस बात को देखिए। आप इस पर अगर कोई सलाह दे रहा है और सलाह के सार्थक परिणाम जनता की राह में जनता के लिए आ रहे हैं, तो आप इस विषय को उस तरीके से देखिए। आप इस तरीके, क्या कोई कैबिनेट में कोई विवाद थोड़ी हुआ है? मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा है केजरीवाल जी ने, और उस पर कार्रवाई होगी, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे रीट में हो, चाहे किसी में हो, कार्रवाई हो रही है। और भी घोटाले देखिए, 5 साल के राज में जितने घोटाले हुए, धीरे धीरे किरोड़ीलाल जी खोले या कोई और खोले, हम तो कहें आप पत्रकार भी खोले, और उस पर अगर कार्रवाई हो तो वो राजस्थान की जनता के हित में है। जिसको इस तरीके से आप सोशल मीडिया मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मत कीजिए, ये आप देखिए इसके रिजल्ट किस स्टेट में जा रहा है। सरकार के हित में भी माना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए विनय जोशी जी कि भाई मुख्यमंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री के पास अनुभव नहीं है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास लंबा अनुभव है, वो सरकार में भी रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है शैलेश जी की बात का सम्मान करना चाहिए कि मुख्यमंत्री की एक अलग तरह की ट्रेनिंग पैरेलल चल रही है किरोड़ी जी के द्वारा, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, आप इस बात को इस तरीके से मत, मीना जी मेरी आपत्ति है कि ट्रेनिंग पैरेलल चल रही है, मैंने कहा टीम वर्क है, आप टीम वर्क में सब लोग साथ काम करते हैं, आप ट्रेनिंग पैरेलल, मुख्यमंत्री जी संगठन में लंबे काम करने के अनुभव के आदमी है, और आप यहाँ पत्रकार जितने बैठे हैं सब जानते हैं कि उन्हें कितना अनुभव है संगठन का, उस संगठन के अनुभव पर ही देखिएगा किस तरीके से लगातार पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं वो। आप इसको इस तरीके, और मुख्यमंत्री जी अगर ट्रेनिंग वाली होती है तो जिस तरीके से उन्होंने चाहे कार्यक्रम दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरीके से आज योजनाएं लागू की है, तो राजस्थान की राजनीति में इतिहास है इन चीजों को, आप इसको इस तरीके से मत जोड़िए। मैंने कहा टीम वर्क में काम करते हो, टीम वर्क में सबकी सलाह लेना और सबके बात को सुनना, ये निश्चित रूप से टीम वर्क का बहुत अच्छा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, तो टीम वर्क का मैसेज तभी तो होगा जब टीम वर्क में जो टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं वो अभी जो उम्र में अनुभव में उनसे कम है उनको अगर सिखा रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं लगातार। जैसे ही किरोड़ी जी ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, इसका मतलब किरोड़ी जी की बात का असर है, मुख्यमंत्री जी पर प्रभाव है और मुख्यमंत्री जी ने उस बात को समझा है, और ये प्रदेश की जनता के लिए और सरकार के लिए दोनों की कार्यप्रणाली को, मतलब सरकार की कार्यप्रणाली को और जनता के लिए फैसले लेने के लिए त्वरित कार्रवाई जिस तरह की हो रही है, तो विनय जोशी जी तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से मानना चाहिए शैलेश कौशिक जी जैसे बोल रहे। देखो मीना जी, राजनीति में संदेश काम करता है, राजनीति काम कम करती है, सरकार के अंदर संदेश जाता है, आप जनता को संदेश देना क्या चाहते हो? ये सभी जानते हैं किरोड़ीलाल जी मीणा का प्रभाव, ये सोशल मीडिया पे जाने से या नहीं जाने से प्रभाव कम नहीं होता, उनके अधिकारी कम नहीं मानते थे, कौन से शासनकाल में उनके अधिकारी नहीं मानते थे, बात ये भी नहीं है, बात ये है कि भैरव सिंह जी शेखावत से किरोड़ीलाल मीणा की नहीं बनी, वसुंधरा राजे जी से किरोड़ीलाल जी की नहीं बनी, अशोक गहलोत जी से किरोड़ीलाल जी की नहीं बनी, और भजन लाल जी से भी आप यही संदेश देना चाहते हो, आप 74 की उम्र में हो, राजनीति के उत्तरार्ध में हो, आप राजनीति के भीष्म पितामह हैं राजस्थान के, आप इस समय अगर कोई संदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आप नए पीढ़ी को कोई मार्गदर्शन दे के नहीं जाएंगे, ये बात तो सभी जानते हैं कि जितना संघर्ष राजस्थान की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा ने किया है उतना संघर्ष किसी ने भी नहीं किया। इसी का कारण है कि 40 साल की राजनीति में रहकर कल 3.5 साल मंत्री रहना, इनके साथ के राजेंद्र सिंह राठौड़ है हमेशा सरकार में मंत्री रहे, जब भी चुनाव जीते मंत्री रहे, सावरमल जी जाट जब तक जिंदे रहे मंत्री रहे, दिगंबर सिंह जी इनके साथ के थे, इनके बैच के थे, तो आप जुझारू नेता, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप 5 साल बाद आ गए थे, लेकिन मंत्री रहे ना, इनका मंत्री पंडित 3.5 साल का रहा ना, और कौन कहता है कि किरोड़ीलाल जी मीणा जमीन से जुड़े हुए नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर जाने से जमीन से जुड़े हो जाएंगे? कौन कहता है इनका मुख्यमंत्री बात नहीं मानते इनकी? कौन कह रहा है? अरे ये वो एक नेता ऐसे हैं
सचिन पायलट ने जब बोला गहलोत के खिलाफ, जब वो मंत्री पद से आउट हो गई थी, जब तक मंत्री पद पर रहे काम किया नहीं, अधिकारी बात मानते नहीं मानते, आपसी झगड़े के चलते रहते हैं, और ये तो होता भी है। अगर आपका 20-25 मंत्री हैं तो सारे तो आपके क्लोज हो नहीं सकते, 2-4-5 आपके बहुत क्लोज भी होंगे, 2-4-5 आपसे बहुत दूर भी हो जाएंगे, ये बात सब स्वाभाविक है। लेकिन जो किरोड़ी लाल जी का स्तर है, जो उम्र है, जो अनुभव है, आज उनसे सीखने की उम्र है। आज आदमी उनसे ये सोच के जाता है कि एमएलए, ये सोचता है कि टोडलाल जी मैं क्या सीखूं। अब मान लो सारे प्रेरणा ऐसे लेने लग गए, सभी सोशल मीडिया पे आने लग गए, बात ये नहीं है कि उनका मुद्दा सही है गलत है, बात ये है कि वो खुद उनकी जो उम्र है, उनका जो अनुभव है, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। खुद मैं तो टोडलाल जी को बहुत नजदीकी से जानता हूँ, मुद्दा उठाना उनकी जानकारी का, उनके संघर्षों का अनुभव बीजेपी की सरकार को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए अच्छा है। राकेश वशिष्ठ जी, इसे इसी स्पिरिट में लेना चाहिए कि राजस्थान की सरकार जो है वो रफ्तार से काम करेगी, इसी तरह बाबा रफ्तार बनाए रखे और मुख्यमंत्री जी फैसले लेते रहे। ऐसा है मीना जी, पहला तो कौशिक जी की एक गलत फहमी को दूर कर दूं, अपने छोटे भाई हैं, कि मीना जी ने जो कहा ना एक्सपीरियंस वाली बात, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन का एक्सपीरियंस होना सरकार चलाने का एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है, और अगर कोई बुजुर्ग साथी, कोई सीनियर साथी अगर उनको कुछ सलाह देता है तो वो अच्छी बात है, और उनको आत्मसात भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। भजन लाल जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो उनके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए अच्छी बात है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उससे जिसका आउटपुट सामने आ रहा है, उनके सामने जो भी बातें आती हैं, भ्रष्टाचार की बात हो या ये हो, तो उसको उलझाने की बात नहीं करते, वो हमेशा इस कोशिश करते हैं कि आप इसके कैसे इस मामले को सुलझाया जाए, कैसे इस मामले को बढ़ाया जाए। जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका कि ब्यूरोक्रेसी बहुत दिक्कत पैदा करने वाली है, जिस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वो अभी धीरे, अभी तो क्या इलेक्शन आ गए, पर कंट्रोल में आएगी जब हमारा इरादा और हमारी सोच अगर पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से आपकी ब्यूरो कैसे भी उसी उसी के अनुरूप काम करेगी जैसा कि हम चाहते हैं। और भजनलाल जी के बारे में, अगर उनको आगे बढ़ना है, अगर उनको अपनी स्थायित्व बनाना, अपना ये नेगेटिव हटाना लोगों का कि ये तो पर्ची वाली सरकार है, केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती है, तो उनको आगे बढ़ करके और एग्रेसिव होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति कोई भलमनसाद का काम नहीं है, इसमें हर तरीके से अपनाने पड़ते हैं। भैरव सिंह जी थे, हमने भैरव सिंह जी के सरकार में, अशोक गहलोत जैसे नेता को, अशोक गहलोत जैसे नेता को दो दो टेन्योर में, तीसरे और दूसरे टेन्योर में कितने चने चबाने पड़े हैं टेन्योर पूरा करने के लिए, आप सब वाकिफ है उससे। सवाल ये कि वो अशोक गहलोत थे और इसलिए तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी नाव अच्छे से निकाल ली। लेकिन राजकुमार मीणा जी, आपको लगता है कि भजनलाल जी भी उतनी आसानी से निकाल लेंगे ये नाव जैसे अशोक जी ने निकाली थी? जी, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल रहेगा भजनलाल जी के। वैसे मेरी जो मैं कहना चाहता था, मेरा 80% काम तो राकेश जी ने बता दिया है कि निश्चित रूप से संगठन चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत फर्क है। भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं निश्चित तौर पे, ठीक है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। किरोड़ी लाल जी जनता के सामने अपनी बात को लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि चाहे, तो वो ये इशारा कर रहे कि आप सही तरीके से काम करो या तालमेल की कमी है। भजनलाल जी जब से बने हैं निश्चित रूप से उन्होंने कभी इसी चीज का अनुभव नहीं रहा भी नहीं है। आते हैं जनता के बीच में, जाते हैं, सत सत अकाल बोलते थे, 1951 में देश को आजाद करा देते हैं, और डबल इंजन की सरकार, हमारे जो भी बीजेपी प्रवक्ता महोदय आते हैं वो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, मजबूत सरकार है। डबल इंजन की सरकार, रेल में डबल इंजन की आवश्यकता कब पड़ती है? या तो इंजन कमजोर हो या इंजन खराब हो। तो निश्चित तौर पे जो वरिष्ठ जो लीडर अभी भाजपा में मौजूद है, किरोड़ी लाल जी उनके साथ वाले, तो उनको भी उनका मन चाहा, जैसे उनका जो भी उन्होंने अपेक्षा कर रखी थी शायद वो मिला नहीं, और अगर वो ऐसे इनको सलाह देते हैं तो निश्चित रूप से भजनलाल जी काफी अच्छा करने में सक्षम होगी और कर पाएंगे।
एक बात कहना चाहता हूँ मीना जी, लेकिन भजनलाल जी की जो परफॉर्मेंस है, भजनलाल जी की जो परफॉर्मेंस के ऊपर हमें कम से कम उनको एक साल का समय देना चाहिए और तब हमें अपना निश्चित रूप अपनी अवधारणा बनानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर, अभी टाइम ही कितना हुआ और अभी तक जितने काम हुए वो पॉजिटिव हुए, कोई आप एक साल का टेन्योर देने के बाद तब हमको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि वो कैसे हैं और कैसे नहीं है। कहते हर नेता, हर मिनिस्टर, हर चीफ मिनिस्टर पहली बार ही बनता है कभी ना कभी, फिर वो एक्सपीरियंस से सारी बात सीखता है कैसा क्या करना क्या नहीं होता। मेरा कहना ये, राजस्थान में पिछले 25 साल की राजनीति जिन दो नेताओं के इर्द गिर्द रही, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे हो, तब भी विवाद यही हुआ था, तब भी चर्चाएं यही हुई थी, तब भी बहस यही चली थी। सफल वसुंधरा राजे की सफलता में भी उतने ही सवाल थे, अशोक गहलोत की सफलता में भी उतने ही सवाल थे। इस बार कैलाश बैरवा ने कहा था कि भाई कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, राजनीति तो मौका मिलने सीखी जाती है और सीखी जाती है। आपकी बात समझ में आती है राजीव तिवारी जी, जो राकेश बशीर जी कह रहे हैं कि एक साल का समय देना चाहिए मुख्यमंत्री को। भजनलाल शर्मा के बारे में बहुत सारी ओपिनियन अलग अलग लोगों के द्वारा आती है, लेकिन जिस तरह की घेरेबंदी की शुरुआत हो गई है उनकी, उससे इस एक साल में अगर ये घेरेबंदी इसी तरह की रही तो निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा को भी अद्भुत प्रतिभा दिखानी पड़ेगी, क्षमता दिखानी पड़ेगी। राजीव तिवारी, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। और मैं एक बात पहले बता दूं कि जो मैं श्रेय लेने की बात कर रहा था उसके पीछे यही एक वजह थी, क्योंकि ना तो अब भजनलाल सरकार के पास ये मामला है, जल जीवन मिशन ईडी और सीबीआई के पास है, सारी फाइलें वहां जा चुकी, सारा मामला उनके पास है, वो छापेमारी भी कर चुके, लोगों से पूछताछ भी कर चुके, सारी चीज उनके पास है। तो अब ये जो किरोड़ी लाल जी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, वो गृह मंत्रालय को लिखे ना, अमित शाह जी को लिखे या उनके जो जूनियर मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, उनको लिखे। वो भजनलाल जी को चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं और उसको सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ शरे लेने का है कि भाई देखो मैं तो पीछे पड़ा हुआ था, अब बाद में उसमें कोई ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई कर देगी, कोई अरेस्ट हो जाएगी, कोई हो जाएगी, तो मैंने करा, देखो कितना पीछे पड़ा था मैं तो। ये घटना का हमको वो भी तो देखना चाहिए ना कि घटना के पीछे कारण क्या है, ये नेता क्यों पीछे पड़े हैं इस बात को लेकर। अब उनके हाथ में है क्या, वो तो सीबीआई और ईडी को करना है जो भी करना है, तो ये चिट्ठीबाजी क्यों कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, और इसीलिए हमने चर्चा किया, मौका निश्चित रूप से देना चाहिए उनको, संगठनिक कार्यों में अच्छी पकड़ है और सरकार में भी जो संगठन का अच्छा होगा। देखिए एक पत्रकारिता का भी एक नियम है कि जो आदमी डेस्क पर अच्छा होगा वो रिपोर्टिंग में भी अच्छा होगा, रिपोर्टिंग का आदमी डेस्क पे अच्छा हो, जो सरकार चलाने वाला डेस्क पे अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, मेरे से वरिष्ठ सब बैठे हैं तो ये सब जानते हैं इस बात को। तो ये संगठन डेस्क के आदमी है, ये तमाम लोगों की कार्यशैली का परीक्षण कर चुके हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के रहे, मंत्री रहे, उन सब के काम कार्यों का आकलन करके यही केंद्र को भेजते थे, संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, उनके पास यही काम होता है कि वो सरकार की सारी जितनी भी कारगुजारी है उसका अच्छा बुरा सब बनाकर उनको वहां भेजना पड़ता है रिपोर्ट। तो ये सारी चीजों से वो वाकिफ है। अब धीरे धीरे करत अभ्यास के, तो जैसा राकेश जी कह रहे हैं एक साल, मैं तो कह रहा हूँ एक क्यों, दो साल दिए जाने चाहिए, जिससे आगे के लिए इनकी नींव मजबूत होगी और सरकार की नींव मजबूत होगी। यहाँ तो 3 महीने में चर्चा शुरू हो गई साहब, एक साल दो साल बाद। देखिए चर्चा जब तक चर्चा नहीं होगी, जब तक किसी बैट्समैन के परफॉर्मेंस पर चर्चा नहीं होगी वो सुधार कैसे करेगा? आज कोई बैट्समैन पहली बार टेस्ट मैच या वनडे खेलने आता है, वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है तो चर्चा यही होती है ना कि उसका बैक फुट अच्छा नहीं है, फ्रंट फुट अच्छा नहीं है, या वो स्पिनर को या फास्ट बॉलर को पहचानता नहीं है। तो जब चर्चा करेगा तभी तो सुधार करेगा, तो चर्चा तो पहले इस बात के लिए होनी चाहिए। जी विनय जी बोलिए जल्दी से।
सभी लोगों इस बात पे सहमत है, मुख्यमंत्री जी को अभी समय दिए जाना चाहिए, उनकी छीटा खासी अभी नहीं। जब चर्चा हो रही है तो एक बात और हमें ऐड करते हुए कंक्लूड करेंगे, वो ये कि भले ही किरोड़ी लाल मीणा कुछ लिखे, भले ही कोई और कुछ कहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कोई रिएक्शन नहीं आना और तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाना शांति से, बताता है कि वो काफी मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि उनके पीछे जो जितनी भी चौतरफा हमलों की जो बौछार है वो कितनी बढ़ती है, और ये बहुत कुछ लोकसभा चुनाव के परिणामों पर भी निर्भर करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जनता के साथ साझा करें। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति के बाबा एक बार फिर हेडलाइन में रहे आज, और हेडलाइन में बने रहने की जो उनकी आदत है वो आने वाले दिनों में और क्या गुल खिलाती है वो देखेंगे। लेकिन हाँ, बाबा जनता के बीच रहना जानते हैं। अब जनता उन्हें और आगे किस तरह रखती है वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।